इसको आज़ाद करने लगा हूँ। आई होप कि ये चला जाएगा अपनी लाइफ में। ये देख, ओह हो, ये ब्लैक का और ये गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सिटी में गया था कुछ काम के सिलसिले में, कुछ मेरे ख्याल शॉपिंग करनी थी, और शाम के टाइम मुझे एक साइकिल पे फिश वगैरह सेल करता एक लड़का मिला जिसके पास ये टर्टल्स थे, दो, एक ये वाला और एक ब्लैक स्पॉटेड टर्टल। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए और कुछ थोड़ा सा देख के शौक पैदा हो गया, मैंने कहा चलो इनका भी एक्सपीरियंस किया जाए। मैंने उनसे परचेज कर लिया 300 रुपये में, और उसके कुछ डेज़ बाद मेरा मूड बना कि मैं इनको आज़ाद कर दूँ। आज़ाद करने से पहले मैंने वीडियो में बताया था, जब इनकी मैंने वीडियो डाली थी कि मैं इनको आज़ाद कर दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट्स यही आए कि आप इनको रखें, आज़ाद ना करें, ये सरवाइव कर नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन फिर मैं गया था दरिया पे एक दिन मछली का, जो लोग मछली पकड़ते हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो उस दिन जब उन्होंने जाल डाला तो इस तरह के तकरीबन 8 से 10 पीस थे, जिनमें छोटे टर्टल भी थे इस तरह के और कुछ बड़े भी थे। मछलियाँ तो खैर उनके हाथ दो लगी, लेकिन 8-10 पीस ये आए। लोगों ने कहा था कि आप ना छोड़ें मर जाएंगे, वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ये तादाद में पाए जाते हैं ये वाला टर्टल, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि यार मैं अभी पहले डिले कर दिया, मैंने कहा चलो रख ही रखते हैं अगर लोगों का, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस है ही नहीं टर्टल्स में क्या चीज़ है। लेकिन जब वो दरिया में ये देखे कि काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं, तो फिर अभी मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने कहा इसको रिलीज़ कर, मेरे पास कब तक रहेंगे, एक कैद हो के रहेंगे। वहाँ पे इससे छोटे भी थे, मुझे याद है मैंने वीडियो भी बनाई थी, इससे छोटे भी, इस साइज़ के और इससे बड़े भी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जाल डाला। तो वो उनसे मैंने पूछा भी, कहते यार यहाँ पे काफ़ी आते हैं मछलियाँ, कम माल लगती हैं जाल में, ये ज़्यादा फंस जाते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो मूड मेरा बना है इनको मैं रिलीज़ कर दूँगा वहाँ जाके। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, अपनी तरफ से तो अच्छा करना चाहिए। वैसे भी ये वहीं से कहीं से पकड़े हैं, दरिया समुंदर से जहाँ से भी हैं, तो अब मैं भी इनको रखूँ ना, मेरे काम की चीज़ है, ठीक है। कुछ दिनों का एक्सपीरियंस करना था वो हो चुका, शौक़ था वो पूरा हो चुका, अब ये तो नहीं शौक़ पूरा करते करते इनको अपने पास ही मार दूँ, और मरना तो है इन्होंने, चाहे मेरे पास मरे चाहे वहाँ जाके मरे। और ज़िंदगी जितनी लंबी हुई शायद मेरे पास भी लंबी हो सकती है, और दरिया में भी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जो इनका कुदरती माहौल है वहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है, इनकी बाउंड्रीज़ नहीं होती, जहाँ मर्जी जाएँ जो मर्जी करें, हमारे पास तो फिर इन्होंने कैद होकर रहना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने इन टर्टल बेबीज़ को, जो काफ़ी डेज़ यानी कि मंथ से हैं मेरे पास, एक मंथ तो हो ही गए हैं, इनको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ करने लगा हूँ। उससे पहले है बूटी डीगल की बारी, पहले बूटी डीगल को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, कोई कुदरती माहौल में जाके इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट इनकी पार्ट है, दूसरे वाला भी मैं ब्लैक स्पॉटेड भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा है और रेयर है मेरे ख्याल में इंडिया में, ये बैन है। अक्सर मैंने कमेंट्स देखे हैं और वीडियोस देखी हैं, इंडिया में ये टोटली बैन है ये वाला टर्टल, इसकी कह लें कि बहुत कम रह गई है टर्टल, इस वजह से डेंजर स्पीशीज़ है, और इंडिया में मेरे ख्याल इस पर पाबंदी है, जेल भी है शायद। तो ये तो मुझे आपके सामने ही है उस दिन जब मैंने परचेज़ किए, और इंशाल्लाह अभी का जो है सीन इनको रिलीज़। और बाकी आपको पहले भी बोला है कि इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और अगर अच्छा करेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, हम भी अच्छी नीयत के साथ ही इनको रिलीज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो ये है ब्लैक स्पॉटेड टर्टल, बहुत प्यारा टर्टल है, और इसका शेल बहुत हार्ड है, दूसरे का शेल सॉफ्ट है थोड़ा सा, इतना भी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन इसका बहुत हार्ड शेल है ऊपर वाला खोल। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको हम आज़ाद करेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं बूटेड ईगल, और अभी आपको दिखाते हैं जो बूटेड ईगल रिलीज़ करना है। लेकिन रिलीजिंग से पहले एक और चीज़ आपके मैं जहन में डाल दूं, कोई भी परिंदा जो वाइल्ड हो आप आज़ाद करना चाह रहे हो, तो आज़ादी से पहले, मैं पहले भी जो बर्ड रिलीज़ किए मैंने आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, सबसे पहले उसका
पहले अच्छी तरह से खिला पिला लें आज़ाद करने से पहले, उसका पेट फुल कर दें उसके बाद आज़ाद करें, क्योंकि क्या पता कि उस टाइम कब से आपके पास है, अचानक से छोड़ेंगे भूखे पेट तो उसका माइंड पता नहीं किस लेवल का होगा, क्योंकि इतने दिनों से वो आपके पास है, बैठा खा रहा है, अचानक से उस दिन उसको खाना शायद वो ना ही खाए या ढूंढ ना पाए। तो उससे बेहतर है कि आप उसका पेट फुल करके उसको आज़ाद करें, ताकि उस दिन अगर वो ना भी खाए, अपनी वाइल्ड लाइफ में जाके पूरा दिन गुजारे, उसको समझ आए कि मैं अब आज़ाद, मैंने अपना खुद ही करना है, तब तक उसका पेट फुल रहे, ठीक है। उसके बाद फिर चाहे वो अपनी मर्ज़ी से खुद ही दाना जहाँ से वो ढूंढे, क्योंकि वाइल्ड जो बर्ड आपके पास अगर आपने रेस्क्यू किया है तो वो सर्वाइव कर लेगा दोबारा वाइल्ड में, क्योंकि उसने ज़िंदगी वहीं से गुजारी है, वहीं से आपके पास आया, फिर दोबारा उसी लाइफ में जा रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम खास नहीं होगी, ठीक है। जो आपने बच्चा पाला हो, छोटा बच्चा पाला हो किसी चीज़ का भी, तोते का, कबूतर का, कोई भी चीज़ है, कोई जो परिंदा है या जानवर, उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है वाइल्ड में, क्योंकि वो वाइल्ड में रहा नहीं है, बचपन से आपके पास रहा है, तो उसको बेवकूफ़ी होगी वाइल्ड में छोड़ना। तो ये क्योंकि वाइल्ड बूटेड ईगल और मैंने वाइल्ड कंडीशन में ही रखा है, मैंने इसको बिल्कुल भी टेम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको रिलीज़ करना था, रेस्क्यू किया था एक शिकारी से, लिया था मैंने उसको पैसे दे के, इसकी आंखें सलाई थी, और तब से इसको मैंने खिलाया पिलाया, मोटा ताज़ा किया, काफ़ी कमज़ोर था, और अभी मैंने सोचा कि अब इसका जाने का वक्त है, इसको आज़ाद किया जाए। आज़ाद करने से पहले वही काम है कि इसको पहले मैं खिला लूँ, खिलाने के बाद जब इसका पेट फुल हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह इसको इसकी असल लाइफ में भेज दिया जाएगा। तो ये मेरे हाथ में है मुर्गी के ये सिरियें, फ़िलहाल चिकन शॉप से ये लेके आया हूँ, वैसे तो वाइल्ड चीज़ इनको देनी चाहिए जंगली खुराक, दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्लड है, और इस खून वाली ज़रा अगर कोई चीज़ आ जाए तो YouTube की तरफ से, तो इस वजह से वो दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ मुर्गी के गर्तने हैं, और ये देखें ये हमारा बूटेड ईगल है, और शायद इसको भी आज पता चल गया कि आज इसने आज़ाद होना है इंशाल्लाह। चौधरी भी कोई गलती शलती हुई हो तो माफ़ करना, ठीक है। ज़िंदगी में इंसान से ना जाने ना चाहते हुए भी जो इंसान को पता नहीं होता गलतियाँ हो जाती हैं, तो माफ़ी मांग लेना बेहतर है। तो आज इंशाल्लाह इसको पेट पूजा के बाद चौधरी को करेंगे आज़ाद, ठीक है। अभी क्योंकि डरता है, दूर है, नज़दीक जाऊँगा और फड़फड़ाएगा, तो मैं इसको खाना रख लूँ ताकि खाना स्टार्ट कर दे, उसके बाद इसको लेके जाते हैं। अभी ये देखें जनाब, खाना पीना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा मैं साइड पे होके बैठा हूँ, रिलैक्स उसने फील किया है, मैंने कहा चलें खाने पीने का भी थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाए। और ये देखें पंजे में लेके जनाब इजीली खा रहे हैं, अभी मेरी तरफ भी देख रहा है थोड़ा सा, लेकिन खाने की तरफ भी अब तवज्जो हो गई है, उसे पता चल गया है कि मेरे से कोई ख़तरा नहीं है तो ईज़िली वो खा सकता है। तो ये देखें माशाल्लाह अब इकट्ठी कर रहा है सारा कुछ अपना सामान, खाएगा पेट भरेगा और उसके बाद हम इसको इसकी असल लाइफ में भेज देंगे। ये देखें और फाइनली अब जा रहे हैं उसको खोलने, आ जा। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। फुल वाइल्ड है, देख के हमें फड़फड़ाने लग गए, और ये है जी बूटेड ईगल, लेदर की इसको जैसेस डाली थी, अभी इसको करने लगे हैं रिलीज़ कहीं दूर एरिया से, सिटीज एरिया से अलग, जहाँ पे ये आज़ाद फसलों में जाए, दरख्तों पे बैठे और अपनी मर्ज़ी से जा सकता है। माशाल्लाह से ये बाइट ना कर लें, ये देखें इसका पेट फुल है जैसा कि मैंने वो दिखाया था खाने पीने के लिए, और अभी इसका पेट फुल है, इसको अब आज़ाद करने जा रहे हैं। हट दे, लग रही है। हाँ।
फाइनली हम उस पॉइंट पे आ गए हैं, ये ज़रा दिखा दो कि जहाँ पे ये रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह फसलें हैं, उम्मीद है ये चले जाएगा वाइल्ड में। पेट फुल है, आज का दिन इसने कुछ खाया भी ना या शिकार ना किया, आज का दिन इसका गुजारा हो जाएगा, रात इसकी अच्छी गुजर जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है सुबह ये प्रॉपर अपनी हंटिंग पे निकल जाएगा। और जैसे इसके पाँव में डली थी वो मैंने खोल दी है, ठीक है। और अभी जो है इसका आज़ादी का दिन है भाई, कोई गलती कोताही फिर एक दफ़ा माफ़ी मांग रहा हूँ, हुई हो तो माफ़ करना, ठीक है। इस टाइम गुस्से में सर के बाल इसने खड़े किए हुए हैं, ये देखें मुंह खोल के, तो गुस्से में है मेरे से, गुस्सा बनता भी है इसका, इतने दिन इसको मैंने रखा है और आज शायद तू गुस्सा मेरे जाके ना करे मेरे पे, ठीक है। बाकी अभी अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको आज़ाद करने लगा हूँ, आई होप कि ये चला जाएगा अपनी लाइफ में। ये देख बड़ा ये जा रहा है जी, और वहाँ पे जाके कहीं बैठ गया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उड़ाई है, कबूतर भी उड़ के आ रहे हैं उससे खौफ से, इस वजह से यह है कि अभी स्टेमिना इसका नहीं है, उम्मीद है इसका स्टेमिना बन जाएगा। बंदा एक जा रहा है उसको देख के उड़ पड़ेगा, अभी दिखाते हैं और इसका सीन आपको, लगे चलने चला, हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं, इसको फिर दिखाते हैं। और जनाब ये बैठे हैं थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, उसको मेरे ख्याल खुद पे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज आज़ाद हो गया हूँ, ठीक है। इसको फिर उड़ा के एक फ्लाइट इसकी दिखाता हूँ आपको, इस तरफ आबादी है, इस तरफ ज़रा नहीं वो आबादी, और इस तरफ इसको उड़ाते हैं। और ये गया, फिर वहाँ पे बैठ गया। दरअसल यही बात है कि इतने दिनों से बैठा रहे और आदत पड़ गई है बैठने की, नहीं नहीं जो पकड़ना नहीं जाएगा, चल यार जा, मैं देख रहा हूँ कि तू सेफ जगह पे किसी दरख्त पे जाके बैठ जा, फिर किसी के हाथ ना आ जाए। ये क्या ऊपर से कव्वे तंग करने वाले हैं, ओए होए होए ये ब्लैक काइट आ गई ऊपर से, चील खड़ा रहा, मैं आ रही हूँ तेरा, वो बैठा है सामने, और ये चील है, उनके चीले हैं, चीलों को कभी कभार ऐसे बर्ड मिलते हैं और उनके लिए ख़तरे की निशानी होती है, इसलिए वो उन पर अटैक करती हैं कि हमारे एरियाज में क्यों आ गए हैं।
उड़ क्यों नहीं रहा ये? रात अगर यहीं पे रहा कोई कुत्ता बिल्ली ना मार दे, देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि जैसे ही मैंने खोला वैसे ही मैं इसको ले आया हूँ। तो मसला क्या हुआ इसके साथ? उधर आ तू, कौवे और चीले चेक करें। पकड़ ला पकड़ ला, कुछ नहीं कहता, उत्तों झपट्टा मार कबूतर तरह इवें ने फिर गेड़ी पै जाना। इतने सौखा काबू आना, अगों की पै अगों की जिमें मुर्गा पकड़ना ही। फड़ ला फड़ ला, कुछ नहीं कहता, चल लिया बस इदा ही। उत्तों की आ जा वापस, ये उड़ नहीं पाया सही से। विंग्स का कोई शायद इशू ना बन गया हो, तो मैं देखता हूँ इसको क्या मसला है बना इसके साथ। ये जी उड़ नहीं सका, विंग्स वो मोल्टिंग कर रहा है। मैं एक मिनट में ज़रा जूम आउट कर लूँ। मेरे ख्याल में ये एक तरफ के पर निकाल रहे ने, और दूसरा पर दिखाओ इसका कि नए पर आ रहे हैं इसके मोल्टिंग के। इस तरफ के तो पूरे हैं इसके पर, सारे सही हैं। एक तरफ के इसकी मोल्टिंग अभी मेरे ख्याल स्टार्ट है, इसकी वजह से थोड़ा सा पर एक सही काम नहीं कर रहा, थोड़ा हाफ काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह मेरा अब जो है देख रहा हूँ कि सिस्टम नहीं सही इसका बन रहा, तो कुछ देर रख के इसकी जो ये मोल्डिंग है इसकी पूरी हो जाए। ये देखे पर शर ये नए कलियाँ निकल रही हैं, तो ये पर इसके नए निकल आते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको करते हैं आज़ाद, क्योंकि अभी से सही से फ्लाई नहीं कर रहा है ये परों की वजह से। ये अभी चार पर इसके ये नए निकल रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसको छोड़ते हैं, इसके अभी पर पूरे हो जाएंगे।